कर लेना जरूरी है गॉस्पल के बाद। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। सारे बोलो दीना बंधु जय प्रभुपाद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, कृपा करी सबे मेली करह करुणा, अधम पतिता जने ना करी हा घृणा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीना बंधु जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव, जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणा माई जय सुभद्रा, जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन, बोलो दीन बंधु जगन्नाथ भगवान की, बोलो दया के सागर बलदेव भगवान की, बोलो करुणामयी सुभद्रा माता की, बोलो भक्तों के रक्षक सुदर्शन चक्र जी महाराज की, कलिपावन अवतार गौर भगवान की जय, बोलो नित्यानंद भगवान की जय, बोलो अद्वैताचार्य की जय, बोलो गदाधर ठाकुर की जय, बोलो श्रीवास ठाकुर की जय, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो इन सब की कृपा से प्रभुपाद कृपा से आज जगन्नाथ कथा का 38वां दिन है। तो मैं एक बात आपसे बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। रात को पता नहीं मुझे सोते सोते 12 बज गए, नींद लेडी लेट आई, सुबह 2:30 बजे का अलार्म लगाया था मैंने, तो फिर उठ गया 2:30 बजे, मैंने कहा नहीं बड़ी नींद बड़ी कम हुई, और फिर मैंने अलार्म को कर दिया 3 बजे का। 3 बजे में जब उठा तो सर में दर्द हो रही थी बड़े जोर से, मैंने मधुप्रिया को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसी बात है, कितने आप महाराज आराम करो। माता से ही बात की, माता भी कहती महाराज आप आराम करो सर में दर्द हो रही है। लेकिन प्रभुपाद जी से प्रार्थना की, मैंने प्रभुपाद कृपा करो, भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने मुझे शक्ति दी, मैं उठ के उठा नहाया धोया और सेवा में उपस्थित हो गया।
तो देखो, हम पूर्ण रूप से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं, वो कृपा करते हैं। आज मैं आपके समक्ष हूँ, ये गुरु गौरांग नित्यानंद पंचतत्व जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन चक्र जी की कृपा से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। नहीं तो मुझे यही लगा, मैंने मधुप्रिया को कहा, भाई कथा रह जाएगी, कहते कोई बात नहीं, कल कर लेना। तो लेकिन मैं पहुंच गया, तो ये इन सब का जिन्होंने मुझे शक्ति दी और मुझे उत्साह दिया, मैं परिस्थिति ऐसी परिस्थिति में भी उपस्थित हो गया आप सबके सामने। तो कथा चल रही है रघु जी की, रघु अरक्षित, जिन्होंने जगन्नाथ जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया था। रघु रक्षिता जी से ये शिक्षा लोग सारे, हम संसार में बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। हमें लगता है मेरा पैसे, मेरा धन, मेरी संपत्ति। एक मुझे वीडियो दिखाया था किसी ने सूरत का, शायद तुमने दिखाया था मधुप्रिया, सूरत का वीडियो, एक डायमंड मर्चेंट, किसने दिखाया था, किसने दिखा, कुंती माता ने पता है, संजय प्रभु ने, हाँ संजय ने दिखाया मेरे ख्याल में। डायमंड मर्चेंट बैठा होगा बड़पनी कुर्सी पर और उसके वर्कर काम कर रहे हैं, डायमंड कटिंग का काम जो भी होता, और वो डायमंड मर्चेंट है, वो बैठा हुआ है, मालिक है, करोड़पति होगा, वो बैठा हुआ, तो मतलब उसमें आ जाता है ना कैमरे में, जो कैमरे लगाए होते हैं, यहाँ भी लगा कैमरा, बैठा बैठा बस कुर्सी से नीचे गिर पड़ा और वहीं मृत्यु हो गई उसकी। ये सूरत की बात है। देखो उसके करोड़ों के हीरे, उसका इतना व्यापार उसको नहीं बचा सका, आखिरी समय आ गया, बैठे बैठे हार्ट फेलियर होगा उसका। तो हम सुरक्षित नहीं है, आरक्षित हैं। रघुदास जी महाराज जो थे, श्रील रघुदास जी महाराज, इन्होंने जगन्नाथ जी को कहा मेरे माता पिता चले गए, इन्होंने सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी, कुछ नहीं रखा, और कहा हे जगन्नाथ मैं आरक्षित हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरे आप ही हैं, बस ये फैन बन कर दो, मेरे आप हैं जगन्नाथ। और भगवान भी उसी के बनते हैं जिसका कोई ना हो, जिसने कोई सहारे ले रखे हैं ना, उनको भगवान का सहारा नहीं मिलता। आओ थोड़ा सा गा लें, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा, सारे बोलो नंदलाल, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, करुणा सागर तेरा सहारा, करुणा सागर जिसने पुकारा उसे तूने तारा, जिसने पुकारा उसे, मैं आया द्वारे तेरे, मैं आया नंदलाल सांवरिया मेरे, नंद तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया
शरण तिहारी। मैं दुखिया काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मर नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल विषयों के जाल में फंस कर बंदयो मोह पाश में कस कर, बंदयो मोह पाश दुख पाए नाथ घनेरे, दुख पाए नंदलाल सांवरिया मेरे। मैं दीनहीन संसारी हम दीनहीन संसारी हम दी एक आशानाथ तिहारी, एक आशा तेरे चरण कमल के चेरे, तेरे चरण कमल नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल दिन रात दिन रैन चैन नहीं आवे, दिन रैन एक तेरी याद सतावे, एक जग देख लिया बहु तेरे, जग देख लिया नंदलाल सांवरिया मेरे। निशिवासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, तेरी गुण गाऊं सांझ सवेरे, गुण गाऊं नंदलाल सांवरिया मेरे। तुमने लाखों पापी तारे, तुमने नहीं कुछ गुण दोष बिचारे, नहीं कुछ गुण खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, खड़ा भिक्षुक नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल भव सागर में भटक रहा हूँ, भव सागर में बीच भ्रमर में अटक रहा हूँ, बीच भ्रमर में अटक
प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, प्रभु बन के नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा को नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, नंद जय नंदलाल, जय नंदलाल बंसी वाला, जय नंदलाल बंसी वाला, बंसी वाला जय नंदलाल बंसी वाला, जय नंदलाल, जय नंदलाल, जय नंदलाल मुक्ता वाला, मुक्ता वाला, मुकुटा वाला, मुकुटा वाला, मुकुटा वाला। बोलो नंदलाल भगवान की। देखो नंदलाल कैसे मिलेंगे, जिन्होंने रघु रक्षिता जी की तरह कोई सहारा नहीं, सब सहारों को छोड़कर, इतने बड़े परिवार से होने पर भी उन्होंने घर बार का त्याग कर दिया, सब कुछ दे दिया, गरीबों को बांट दिया और भिखारी बन के रहने लगे। उनकी दिव्य जीवन की कथा सुनो आप। रघु रक्षित जी महाराज कितने महान भक्त थे, कितनी उनकी महानता थी। अभी जगन्नाथ जी उनको ले आए हैं उनके ससुराल के घर के आगे, बेताल को कहकर बेताल जी ने उनको उठा के, सोए हुए उठाकर वहाँ पहुँचा दिया। अगली सुबह जब परिवार के लोगों ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला जहाँ रघुनाथ जी का शरीर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, तो वे उसे भगवान नाम का कीर्तन करते हुए पाकर आश्चर्यचकित हो गए। देखो रघुदास जी को जहर दे दिया था उनके ससुराल वालों ने, ससुर ने, सालों ने, सब ने मिलकर, लेकिन उनकी पत्नी जो थी जिनसे सगाई हुई थी वो देवी माता थी अन्नपूर्णा, उस माता का नाम था अन्नपूर्णा। बोलो अन्नपूर्णा माता की। अन्नपूर्णा माता ने बताया भी पतिदेव इसमें जहर है, ये आपके लिए मिष्ठान बनाए हैं, ये मत खाइए। रघु जी देखो कैसे हैं, कि ये तो मैंने अपने भगवान को भोग लगा दिया, जहर वाला मेरे भगवान ने खा लिया। जो भाव से भक्त भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान भावग्राही हैं, स्वीकार करते हैं, तो अच्छा मरना तो एक दिन है ही, चलो ये प्रसाद खा के मर जाऊंगा मैं। उन्होंने सब खा लिया प्रसाद, जब खा लिया तो मृत्यु हो गई। तो हुआ क्या, कल के सत्संग में ये था, तो मर गए बेचारे। ससुर कहता है उनके सालों को, कल सुबह सुबह इसको जलाना, लोग पूछेंगे तो कहना इसको सांप काट गया था। संसारी लोग तो कुछ भी बातें बना लेंगे, नरकगामी होंगे। तो उनकी पत्नी बेचारी माता अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा ही नाम था उसका, माता कहती है मैं कल सती हो जाऊंगी, धन्य है ऐसी माता। अन्नपूर्णा माता की जय। जहां उनका मृत शरीर पड़ा था, जगन्नाथ जी ने आपको कल के प्रसंग में आपने सुना, आगे भगवान और उनको उनका शरीर लेके अपने गोद में रखा, सर पे हाथ फेरा, उठ के बैठ गए, वो सारा जहर का रतम खत्म हो गया। वे एक दूसरे से बोले यह कैसे संभव है कि विषपान के पश्चात भी यह मनुष्य अभी तक जीवित है, यह साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। अभी ससुराल वालों को कल आ रही है,
पहले सारे बेकले थे, मूर्ख लोग, क्योंकि बुद्धिहीन थे, भक्त नहीं थे, दुष्ट थे। यह अनुभव करते ही उन्होंने दौड़कर रघुनाथ के चरण पकड़ लिए। देखो अभी समझ आए, चरणों को पकड़ लिया, इनमें क्षमा याचना करने लगे, माफी मांगने लगे। श्रील रघु जी ने उनसे कहा, आप निरपराध हैं। देखो भक्त कैसे होते हैं, जहर देने वाले को कहा तुम निरपराध हो, ये भी शिक्षा लेने की बड़ी बहुत बात है, भक्तों को बड़ी जरूरी बात है ये। निरपराध कहा, क्यों कहा? आप निरपराध हैं, क्यों कहा? कहते हैं ये मेरे ही कर्म हैं, मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही किसी को विष दिया होगा, परिणाम स्वरूप इस जन्म में विषपान कराया गया। पूर्व जन्म में मैंने किसी को जाना, इसलिए मुझे विषपान कराया गया। मेरे स्वामी तो जगन्नाथ हैं, दारु ब्रह्म जगन्नाथ हैं, उन्हीं की दया से मुझे पुनः जीवन की प्राप्ति हुई है। श्रील रघु जी बोले, मेरे निर्धन हो जाने के कारण आप लोगों ने अन्नपूर्णा का विवाह अन्यत्र करने का विचार किया था, यदि आप सब यही चाहते हैं तो मुझे जाने दीजिए, और यदि आप सब धर्म का मार्ग अपनाने को तत्पर हैं तो मुझे मेरी अर्धांगिनी सौंप दीजिए और मुझे उसे अपने साथ ले जाने दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही करें। देखो भक्त कैसे होते हैं, भक्तों की भाषा कैसी होती है, यही हमने बनना है, तभी जगन्नाथ जी मिलेंगे हमको। किंतु मैं तो अब जा रहा हूं, इतना कहकर श्रील रघु जी उस घर से जाने लगे। हर कोई उनके पीछे दौड़ा और उन्हें वहां से जाने से रोक दिया। उन्होंने अन्नपूर्णा से पूछा कि वह क्या करना चाहती थी। अंत में उन्होंने अन्नपूर्णा की इच्छा अनुसार उसे आभूषणों से सजाया। अन्नपूर्णा ने पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो, धन्य है ऐसी माताएं। अन्नपूर्णा कितनी महान थी, उनको अन्नपूर्णा माता को इच्छा अनुसार उन्हें आभूषणों से सजाया तथा शिला रघुनाथ जी के साथ जाने दिया। बोल जाओ भाई, अन्नपूर्णा का मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। ये देखा भीख मांगता गरीब, ये तो भक्त है, माता भी भक्त थी। आज ये सब गंदा आ गया हमारे समाज में, पति अगर गरीब हो गया स्त्री उसको छोड़ देती है, दूसरे के साथ चली जाती है, सब नरक का द्वार है, कब तक वो बहुत दुख सुख भोगेगी, आकर उसको भी मरना है, दूसरा जो खसम किया उसको भी मरना है। हमारे यहां गुरुकुल में एक बालक है, उसकी मां ने उसको कहा तू वापस मत आना इधर। क्यों? उसने दूसरी शादी कर ली, पहली शादी से वो गए, उपनार बेचारे को रखो। ऐसी हालत हो गई हमारे समाज की। ये विदेशों में था, लेकिन नेता ऐसे मिले जिन्होंने इस भारत को बड़ा खराब कर दिया। अन्नपूर्णा माता ने श्रील रघु जी से कहा, आप मेरे हैं, मैं आप ही मेरे स्वामी हैं, कृपया मुझे जहाँ चाहें अपने साथ ले चलिए। अंत में अपनी पत्नी के साथ को साथ लेकर श्रील रघु जी पुरी की यात्रा पर चल दिए। श्री रघु के प्रस्थान के पश्चात उनके ससुर ने बसु महापात्रा के पास संदेश वाहक को भेजा। बसु महापात्रा के पुत्र से उनकी सगाई की थी ना अन्नपूर्णा माता की, संदेश भेजा। संदेश वाहक ने बसु महापात्रा के पुत्र से कहा, हम अन्नपूर्णा का विवाह तुम्हारे साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पति लौट आया था तथा आज वह अपनी पत्नी को साथ लेकर वापस पुरी चला गया है।
हमने उसे रघु के हाथ से बचाने का अथक प्रयास किया, प्रयास किया, मार दिया बेचारे को, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की, प्रयास किया किंतु कुछ काम ना आया। अब वे दोनों जगन्नाथपुरी के मार्ग में हैं, आप जैसा करना चाहें वैसा ही करें। यह समाचार सुनते ही बसु महापात्रा के पुत्र ने क्या किया, ध्यान से सुनिए। कुछ सैनिकों को एकत्रित किया और उन्हें रघु को पकड़कर लाने के लिए कर दिया, जाओ पकड़ के ले आओ रघु जी को। पैदल जा रहे थे बेचारे। श्री रघु एवं अन्नपूर्णा उन्हें पुरी के मुख्य मार्ग पर मिल गए, उन सैनिकों को वो मिल गए। वे श्री रघु से बोले, तुम इस लड़की को चुराने वाले कौन हो? चोरों को सब चोर ही नजर आते हैं। यदि तुम जीवित ही पुरी पहुंचना चाहते हो तो इस लड़की को छोड़ जाओ, अन्यथा हम तुम्हें बंदी बना लेंगे। जब श्री रघु ने घूम कर देखा तो उसे अपने पीछे अनेक सैनिक दिखाई दिए। यह देखकर अन्नपूर्णा अत्यंत चिंतित हो गई। मैं श्री रघु जी से बोली, अब क्या होगा, वे हमारा पीछा कर रहे हैं, वे आपकी हत्या करके मेरा अपहरण कर लेंगे, अब हम कैसे बचेंगे? माता अन्नपूर्णा माता से सोच रही है, लेकिन देखो जगन्नाथ जी क्या करते हैं, आगे की कथा में देखो, अब हम कैसे बचेंगे। श्री रघु जी ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, मेरे स्वामी दारू ब्रह्म जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ जी के चरण में पूरा भरोसा था, हमारा भी ऐसे ही भरोसा होना चाहिए, भगवान के चरण में ही हूं। दारू ब्रह्म जगन्नाथ हैं, इस संकट को मिटाना उनके लिए अत्यंत सुगम है, पूरा विश्वास है जगन्नाथ जी के चरणों में। श्रील रघु जी महाराज का, वही भगवान जिन्होंने हमें मिलाया, जिन्होंने विष से मेरी रक्षा की, अब भी हमारी रक्षा करेंगे। तुम इतनी भयभीत क्यों हो? ब्रह्मा जी एवं देवराज इंद्र तक भय से मुक्ति हेतु उनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। जब हमारे सर पर भगवान जगन्नाथ का वरदस्त है, हाथ है, तो हमें क्या भय है? जिस समय श्री रघु अपनी पत्नी से इस प्रकार वार्ता कर रहे थे, तभी उन्हें दो अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति अपनी ओर आते दिखाई दिए। शक्तिशाली व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, वे सैनिकों के समान सुसज्जित थे, और उन्होंने आकर रघु जी से पूछा, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ जाएंगे, आपके साथ कोई नहीं है, बहुत से सैनिक तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, कृपया हमें अपनी परेशानी बताइए। पूछ रहे हैं कौन है पूछने वाले, कथा में वर्णन आएगा, ध्यान से सुनो। वो दोनों पूछ रहे हैं अपनी हमको परेशानी बताइए। श्री रघु जी ने दोनों सैनिकों को सारी वार्ता विस्तार से बता दी, सारी बात बता दी। दोनों सैनिकों ने उन पति पत्नी को अपनी सुरक्षा में लेते हुए उनसे कहा, आप भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ आइए, भगवान जगन्नाथ ने पीछा करते, वो कौन थे दोनों, जगन्नाथ और बलदेव, भगवान जगन्नाथ ने पीछा करते सैनिकों के आगे एक ब्रह्म जाल सा उत्पन्न कर दिया, जाल उत्पन्न कर दिया भगवान ने, जिससे उन्हें ऐसा लगा कि रघु एवं उसकी पत्नी को सहस्रों ब्रह्म स्वरूपों ने अपनी सुरक्षा में ले लिया। वे अत्यंत भयभीत हो गए तथा तुरंत भाग गए, सब सैनिक भाग गए। तब वे दोनों अश्वरोही सैनिक रघु और उसकी पत्नी को
अपने घोड़ों पर बैठाकर पुरी की सीमा में सुरक्षित छोड़ गए, पुरी की सीमा तक पटा के छोड़ गए। शिल रघु भगवान का अत्यंत कृतज्ञ था, वो कृतज्ञ थे भगवान के। उन्होंने सैनिकों को प्रणाम किया और बोले, यदि आप नहीं आते तो हम मारे जाते, आपको हार्दिक धन्यवाद है। वास्तव में दोनों अश्वरोही भगवान जगन्नाथ एवं बलदेव थे, जगन्नाथ और बलदेव थे, किंतु शिल रघु उन्हें पहचान न सके। वह उनकी लीला को कैसे जान सकते थे, जब साक्षात ब्रह्म एवं देवराज इंद्र भी श्री हरि की लीला को समझने में असमर्थ हैं। शिल रघु और उनकी पत्नी की सुरक्षा करने के पश्चात भगवान जगन्नाथ एवं भगवान बलदेव वापस नीलाचल धाम अपने मंदिर में चले गए। कुछ दिनों के पश्चात शिल रघु एवं उनकी सुशीला पत्नी अन्नपूर्णा पुरी पहुंच गए। वे भगवान के दर्शन करने गए। उन्होंने मंदिर के निकट ही एक छोटे से भवन में अपने निवास की व्यवस्था की। शिल रघु नित्य ही अपने भगवान की लीलाओं का वृतांत सुनकर अत्यंत प्रसन्न थे। मैं प्रतिदिन मंदिर जाते एवं समस्त आरतियों में सम्मिलित होते थे। मैं भगवान की सेवा में संगीत, हरे कृष्ण हरे, सारे बोलो, रघु जी भगवान की सारी आरतियों में सम्मिलित होते। वह भगवान की सेवा में संगीत सुनाते थे एवं भगवान के विग्रह के सन्मुख नित्य कीर्तन करते थे, नित्य कीर्तन करते और भगवान को संगीत सुनाते थे। प्रतिदिन शिल रघु भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाते और उन्हें जो कुछ मिलता था अन्नपूर्णा सदा के साथ उसे पकाकर भगवान का भोग लगाती थी। देखो, इतने बड़े घर से अन्नपूर्णा माता अब एक भिखारी के साथ रह रही है, ये है भारतीय नारी। अन्नपूर्णा से सभी माताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। वो बड़े घर से थी, छोटे घर से नहीं थी, लेकिन ऐसी ये भारत की नारी का चरित्र है। मां के चुलाते भोग लगाती भगवान को, पश्चात जो कुछ अवशेष रहता उसे स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेती थी। भोग लगाती जो बचता वो प्रसाद लेती थी। मैं अपने पति को भोजन कराए बिना जल की एक बूंद तक नहीं पीती थी, इतनी पतिव्रता थी। पति को जब तक भोग न कराएं तो पानी की एक बूंद नहीं पीती थी। धन्य है ऐसी माता। बोलो अन्नपूर्णा माता की। मैं अत्यंत प्रेम एवं श्रद्धा के साथ अपने पति की सेवा सुशुषा करती थी। हरे कृष्णा हरे, शिल रघु जी के मन में समस्त प्राणियों के लिए असीम वेदना एवं दया की भावना थी। देखो, जो भक्त होता है वो सब पर दया करता है, पशु पक्षियों पर भी दया करता है, तो इसके फलस्वरूप वो क्या करते थे, शिल रघु जी क्या करते थे। शिल रघु जी के मन में समस्त प्राणियों के लिए असीम वेदना एवं दया की भावना थी। वह सदैव वैष्णव जन की सेवा हेतु
तत्पर रहते थे। कोई वैष्णव उनकी सेवा में बड़े तत्पर रहना, पर संपूर्ण पुरी धाम में प्रसिद्ध हो गए, सारे लोग पुरी में उनको मानते थे रघु जी को। बोलो श्री रघु जी महाराज की। वह भिक्षुक मात्र थे किंतु वह अपने पास आने वाले याचकों की मनोकामना पूर्ण करने का प्रयास करते थे। कुछ खुद मांग के लाते, लेकिन उनके पास अगर कोई मांगने वाला आता उसकी इच्छा को वो पूरा करते थे। एक बार कुछ वैष्णव जन नीलाचल धाम की यात्रा है तो पुरी में पधारे। वैष्णव आए पुरी धाम में, उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और अपने लिए प्रसाद की खोज करने लगे। बेचारे यात्री हैं, भोजन कहाँ पाएंगे। स्थानीय लोगों ने उन्हें रघु रक्षित के घर जाने की सलाह दी। लोगों ने कहा कि रघु रक्षित के घर में जाओ और उनसे कहा कि वह वैष्णवों का सत्कार करते हैं, अतः वह आप लोगों के लिए अवश्य ही प्रसाद की व्यवस्था कर देंगे। जब वे श्रील रघु रक्षित के घर पहुंचे तो वह अपने घर एक साथ इतने साधुओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गरीब है बेचारे, साधु आए प्रसन्न है, दुखी नहीं है भाई साधु आ गए मेरे घर में, प्रसन्न है। हमें भी यह सीखना है, संत आए उनका सम्मान करो, उनको डांटो मत। हैं क्या किस भेष में मिल भगवान मिल जाए, बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। संतों को डांटना नहीं। बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उनका स्वागत करते हुए उनके पधारने का कारण पूछा। साधुओं ने कहा कि वे क्षुधा से पीड़ित हैं थे, उन्हें भूख लगी है, बेचारे भूखे थे, यात्री थे, अतः उनके घर भोजन पाने की इच्छा लेकर आए थे। भोजन पाने की इच्छा से उनके घर में वो आए थे। श्रील रघु धनहीन थे, उनके पास धन नहीं था, अतः उन्हें उन साधुओं की सेवा करने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। ये नहीं कहा हमारे पास कुछ नहीं है जाओ, ना, मार्ग ढूंढ रहे कैसे उनकी सेवा की जाए। वह घर के अंदर गए और अपनी पत्नी से एक बोले, अब हम क्या करें। पत्नी भी देवी माता अन्नपूर्णा, उनसे पूछा हम क्या करें, अब हम क्या करें, साधु हमारे घर पधारे हैं, हम उनकी सेवा कैसे करें, हमारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है। उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, अन्नपूर्णा माता ने क्या कहा, देखो कोई बात नहीं है, मेरे आभूषण ले जाओ, गहने कुछ उनकी माता के पास थे, एवं उन्हें बेचकर धन की व्यवस्था करो, हम इन साधुओं को भोजन अवश्य ही कराएंगे। देखो माता अपने गहने देने के लिए तैयार है, धन है ऐसी माता, कोटि कोटि प्रणाम ऐसी माताओं के चरणों में। श्रील रघु ने उत्तर दिया, मैं एक दीन भिक्षुक हूं, मैं भीख मांगने वाला हूं, यदि मैं इन बहुमूल्य आभूषणों को लेकर व्यापारी के पास जाऊं तो मैं सोचेगा कि मैंने उन्हें कहीं से चुराया है। अच्छा यह होगा कि तुम स्वयं व्यापारी के पास जाओ और इन्हें बेचकर धन ले आओ। अपने पति की आज्ञा मानते हुए अन्नपूर्णा माता तुरंत व्यापारी के घर गई और अपने आभूषण बेच दिए। व्यापारी एक चरित्रहीन एवं कामुक व्यापारी व्यक्ति था, चरित्रहीन था वो दुष्ट। देखो जो चरित्रहीन है उनको अगले जन्म में प्रेत बनना पड़ता है। भक्तमाल में कथा आती है, छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, एक सुनारे की ज्वेलर की कथा आती है। एक रंग जी भक्त हुए, रंग जी वो भी बनिए थे,
पर बड़े भक्त हुए। उनके घर में नौकर था, वो यमदूत बना था, उन्होंने उनको चेतावनी दी तो उनका जीवन परिवर्तित हो गया। सौराब कुछ ऐसे बनिए थे वो राजस्थान के। तो वो जो सुना रहा था ज्वेलर, वो आकर उनके बेटे को तंग करने लगा, वो भूत बन गया था, तंग करने लगा। तो बाप ने, रंग जी ने पूछा, बेटा तुम कमज़ोर क्यों हो रहे हो? पिताजी रात को मुझे कोई प्रेत आत्मा आके रोज डराती है, मैं बहुत डर जाता हूँ उससे। वो आत्मा आती है मुझे डराती है। अच्छा, उन्हें अपने बेटे को कहा तुम मेरे कमरे में सो, वहाँ सोए तो रात को वो प्रेत आया। कहते कौन हो तुम, मेरे बेटे को क्यों डराते थे? कहते मैं प्रेत हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आपके बेटे को इसलिए डराता था कि मेरा आप उद्धार करो। कौन हो तुम, क्यों ऐसे प्रेत बने? कहते मैं पूर्व जन्म में एक सुनारा था, मैं सोने चांदी का काम करता था और मेरा कि दूसरी पत्नी से संबंध हो गया, दूसरी की पत्नी से संबंध हो गया और मैंने अवैध संबंध दूसरी की औरत से रखा, उसके फलस्वरूप मैं प्रेत बन गया हूँ और मैं बड़ा दुखी हूँ। तो मेरे से क्या चाहते हो तुम? रंग जी महाराज कहते हैं, कहते मुझे अपने चरणों का चरणामृत दीजिए आप। अच्छा, उन्होंने अपने चरणों का चरणामृत दिया, उसकी प्रेत जोनी छूटी और वो कहते महाराज बहुत धन्यवाद, मुझे प्रेत जोनी से आपने छुड़ा दिया, मेरी गति हो गई। तो अन्नपूर्णा की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया वो जो बनिया था और उससे बोला तुम्हें अपने आभूषण बेचने की क्या आवश्यकता है? यदि तुम मुझे प्रसन्न कर दोगी तो बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। यह सुनकर अन्नपूर्णा वहां से भाग आई एवं हांफते हुए अपने पति के पास पहुंचकर सारी बात उसे बताई। उसने उससे कहा आप मेरे पति हैं, अतः आप मुझे जैसा निर्देश देंगे मैं वैसा ही करूंगी। श्री रघु जी ने उससे कहा हमें अपने द्वार पर पधारे साधुओं को भोजन कराना है, अतः अतिथि सत्कार के अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु जो उचित हो वैसा ही करो। तुम व्यापारी का प्रस्ताव मानकर तुरंत धन की व्यवस्था करो। देखो रघु जी महाराज कितने महान हैं और व्यापारी कितना दुष्ट था। तो उन्होंने कहा कि तुम उसका प्रस्ताव मान लो और तुरंत धन की व्यवस्था करो। अतः अन्नपूर्णा पुनः उस कामी व्यापारी के पास गई एवं धन लेकर लौट आई। उसने व्यापारी को उसकी इच्छा पूर्ति हेतु रात्रि के समय अपने घर बुलाया। श्रील रघु उस धन के द्वारा श्रील जगन्नाथ प्रसाद के विभिन्न प्रकार के व्यंजन ले आए एवं अतिथि रूप में पधारे साधुओं का को प्रसन्नता से के साथ भोजन कराया। इतना सारा प्रसाद ग्रहण करके साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसाद पा चुकने के पश्चात साधुओं ने श्रील रघु जी को आशीर्वाद दिया एवं उनके इस धार्मिक कार्य की प्रशंसा करते हुए चले गए। जब संध्या हुई तो श्रील रघु जी ने अपनी पत्नी से कहा अब वह व्यापारी हमारे घर आएगा, तुम सभी प्रकार से उसकी सेवा करना, तुम जितनी मेरी सेवा करती हो उससे भी 100 गुनी सेवा उसकी करना। ऐसा कहकर रघु दूसरे कक्ष में चले गए। देखो आगे क्या होता है, बड़े ध्यान से। सुंदर वस्त्र पहन एवं बलि प्रकार से श्रृंगार करके उस व्यापारी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। अन्नपूर्णा माता जो है, अन्नपूर्णा ने सुंदर वस्त्र पहने एवं भली प्रकार से श्रृंगार करके उस व्यापारी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। जब वह आया तो अन्नपूर्णा ने उससे कहा मेरे प्रिय व्यापारी
कृपा करके मेरे कक्ष में आ जाओ, यहां मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, भय मत करो। इस प्रकार बोलकर वह भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान करने लगी। जो वचन था तो पूरा करने के लिए माँ अभी अन्नपूर्णा माता भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान करने लगी। वह मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आप तो द्रौपदी के स्तित्व की रक्षा हेतु सुविख्यात हैं, आपने द्रौपदी की भी रक्षा की। जब मेरे पास आप जैसे स्वामी हैं तो मुझे भी संकट का भय नहीं है। व्यापारी ने उस कक्ष में जैसे ही प्रवेश किया, उसे आनंद में मगन अन्नपूर्णा दिखाई थी, किंतु वह अकेली नहीं थी। श्री भगवान उसको अपनी गोद में लिए हुए पलंग पर विराजमान थे, भगवान के दर्शन हो गए। भगवान ने अन्नपूर्णा माता को अपनी गोद में बिठाया है। वे इस प्रकार विराजमान थे जैसे साक्षात श्री हरि लक्ष्मी के साथ हों। इस दृश्य को देखकर बेचारा व्यापारी हक्का बक्का हो गया, उसे गहरा आघात लगा और वह मन में सोचने लगा, जो मैं देखता हूँ वह तो धधकती अग्नि है, मैंने ये क्या कर दिया, मैं अग्नि में कूदने का प्रयास कर रहा था, मैंने उस अन्नपूर्णा के लिए यह घृणित कामना की जो मेरी माँ के समान है। यह सब सोचता हुआ व्यापारी तुरंत अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गया। अन्नपूर्णा उसका ऐसा व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा, यह अधम व्यापारी कुछ मेरी चरणों में क्यों गिर रहा है। वह कुछ ना समझ सकी। वह व्यापारी से बोली, आपका इस प्रकार से मेरे पैरों में गिरना ठीक नहीं, कृपया उठ जाइए। व्यापारी ने उत्तर दिया, अरे श्री हरि की समर्पित देवी, मुझे क्षमा करें, मैं आपका पुत्र हूँ, यदि पुत्र से कोई अपराध हो जाता है तो माँ सदैव उसे क्षमा कर देती है। मैं इतना मूर्ख व धूर्त हूँ कि यह नहीं जान सका कि आप पवित्र एवं पूजनीय हैं, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। शिल रघु अन्य कक्ष में प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं सोच रहे थे कि उसकी पत्नी व्यापारी की भली बा प्रकार सेवा कर भी रही होगी या नहीं। मैं निश्चित कर लेना चाहते थे कि उसने अपने वचन के को भली प्रकार निभाया है, अन्यथा उसे उस व्यापारी का सदैव ऋणी रहना पड़ेगा। अतः उसने धीरे से कक्ष में झांका। मैं उस व्यापारी को अपनी पत्नी के चरणों में गिरा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने व्यापारी से पूछा कि तुम इस प्रकार मेरी पत्नी के चरणों में क्यों पड़े हो, कृपया उठ जाओ। व्यापारी उठ गया और पुनः रघु के श्री चरणों में गिर गया। मैं बोला, आप कितने सौभाग्यशाली हैं, जरा देखो इस ब्रह्मांड के स्वामी अपनी पत्नी को अपने अंक में लिए हुए हैं। यह सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने चारों ओर देखा किंतु श्री हरि उस कक्ष से अंतर्ध्यान हो चुके थे। वे तीनों श्री हरि के प्रेम में डूबकर आनंदित होने लगे। उस व्यापारी ने उनको बहुत सा धन प्रदान किया। शिला रघु एवं उनकी पत्नी अन्नपूर्णा ने अपना समस्त जीवन भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा में समर्पित कर दिया एवं अपने जीवन के अंत में वह वैकुंठ धाम को चले गए। बोलो अन्नपूर्णा माता की, बोलो शिला रघु रक्षित जी महाराज की, बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की। देखो भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं, ये शिक्षा सब लो। ऐसे भगवान की शरण में आ जाओ, उनकी ठगनी माया के पीछे मत जाओ। माया से ठगाओगे तो जीवन भर पछताओगे और नरक में जाओगे। माया से अपना मन को हटाने का प्रयास करो।
रघु जैसे श्री रघु जैसे भक्तों की शरण लो, उनके चरणों में प्रार्थना करो, अन्नपूर्णा माता के चरणों में प्रार्थना करो, वो वैकुंठ में है अभी, कि आप वहाँ से हमारी रक्षा करो, हमें भी भक्ति का दान दो, हमें भी अपना वचन निभाने की शक्ति दो, ताकि हम भी आपके श्री चरणों की कृपा से भगवत प्रेम भगवत भक्ति में आगे बढ़ें और अंत में वैकुंठ में आकर आपके दर्शन करें। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। आपकी ये कथा, आज की कथा बहुत ही सुंदर कथा थी, बड़ी शिक्षाप्रद है। ये शिक्षा सब लो और जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण। अनीमा माता नूरपुर हिमाचल प्रदेश से, गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी बहुत कृपा है मुझ पर, आप अपनी कृपा मेरे पति पर भी करें। उनका भक्ति की तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनका भक्ति की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आप बताएं मैं कैसे उनको भी भक्ति में लगाऊं और हम दोनों आपसे दीक्षा ले सकें। हरे कृष्ण। अनीमा माता जी, अनीमा माता ऐसा है, देखो माता, ये सब भगवान के हाथ में है। तुम्हारा पति अगर भक्त नहीं है, तुम प्रभुपाद जी के चरणों में और कली पावन अवतार नित्यानंद भगवान और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करो कि मेरे पति को भी भक्ति का दान दो। ये तो माता उनके हाथ में है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना कर सकता हूँ तेरे पति को भक्ति का दान दें, पर तुम भी प्रार्थना करो प्रभुपाद जी के चरणों में, नित्यानंद भगवान के चरणों में, चैतन्य भगवान के चरणों में और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता के चरणों में प्रार्थना करो कि इनको भी भक्ति का दान दो। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।